जय महाकाल मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ओ नाम वाले जातक एवं ए नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो संबंध बनेगा, जो बंधन बनेगा, वो कैसा रहेगा? दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में वाईटी मिश्रा को आपको सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है एवं वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ओ नाम वाले जातक एवं ए नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के बंधन में आते हैं तो इन दोनों के बीच में जो संबंध बनता है, जो बंधन बनता है, उसमें एक समानता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इस नाम के जो दोनों जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार, बहुत ज्यादा वफादार होते हैं। हमेशा अपने जीवन में एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे का समर्थन बहुत ज्यादा करते हैं। कभी भी अपने जीवन में एक दूसरे की बातों को काटना, एक दूसरे का अपमान करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। एवं ऐसे समय में इन दोनों के बीच में जो बंधन बनता है, उस बंधन में इस नाम के दोनों जातक एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। दोस्तों, यदि ओ नाम वालों की बात करें तो ओ नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा चालाक होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने आने वाले समय के प्रति बहुत ज्यादा आशावादी होते हैं। कभी भी अपने जीवन में अपने कीमती समय को बर्बाद करना, अपने समय का मिस यूज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा इस नाम के जो जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा क्रोधी, बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं। छोटी मोटी बातों पर बहुत ज्यादा क्रोध, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं एवं ऐसे समय में आप दोनों के बीच में आपसी तनाव, आपसी मनमुटाव अवश्य होता है। वैसे यदि ए नाम वालों की बात करें तो ए नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में अपने जीवन साथी का सपोर्ट, अपने जीवन साथी का समर्थन बहुत ज्यादा करते हैं। हमेशा अपने जीवन में अपने जीवन साथी के विचारों का सम्मान, अपने जीवन साथी के दृष्टिकोण का सम्मान बहुत ज्यादा करते हैं। दोस्तों, ओ नाम वाले जातक एवं ए नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में लगभग सारी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों, आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा, जो संबंध बनेगा, वो बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा, यानी कि आपको शादी अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में वाईटी मिश्रा को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय माँ दुर्गे आप कमेंट अवश्य कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें, ताकि आपके संपर्क में जो भी लोग हों सभी लोग वीडियो देखें एवं अपने आपसी जीवन के बारे में सारी बातें पता कर सके। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।